आज हम लोग अंतरण आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए भी कहते हैं। क्रिक ने एक अडैप्टर हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आरएनए उपस्थित होना चाहिए जो कि एक तरफ अमीनो एसिड से विशिष्ट रूप से जुड़े और दूसरी तरफ वो एमआरएनए में उपस्थित कोडॉन को भी पहचाने। तो ये आरएनए ही होना चाहिए, क्योंकि बेस पेयरिंग कोडॉन की बेस पेयरिंग जो है वो आरएनए में ही संभव है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर सकता है। उसी वक्त सेमेटनिक और होगलैंड ने दिखाया कि अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित है वो थोड़ी देर के लिए कम अणुभार वाले आरएनए से जुड़ते हैं। उन्होंने उस आरएनए को विलय आरएनए कहा और बाद में उन्हें ट्रांसफर आरएनए नाम दिया गया। प्राथमिक और द्वितीयक संरचना ट्रांसफर आरएनए की, सब जीवों में ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक उपस्थित होता है, परंतु क्योंकि जेनेटिक कूट जो है वो डीजेनरेट है, इस कारण से कई अधिक संख्या ट्रांसफर आरएनए की उपस्थित होती है। इन ट्रांसफर आरएनए की द्वितीयक संरचना में 76 बेसिस, जो एलानिन का ट्रांसफर आरएनए का अध्ययन किया गया, उसमें 76 क्षार उपस्थित होते हैं, कई उनमें से रूपांतरित होते हैं। ये जो ट्रांसफर आरएनए, इनकी लंबाई भिन्न हो सकती है, 60 से 95 न्यूक्लियोटाइड से बने हो सकते हैं और इनका अणुभार 18 से 28 किलोडाल्टन हो सकता है। अधिकतर ट्रांसफर आरएनए में 76 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं उनकी जो द्वितीयक संरचना है वो क्लोवर लीफ लाइक हैलॉग की पत्ती के समान होती है, और अगर हम 5' एंड से देखना आरंभ करें तो 5' एंड टर्मिनल फॉस्फेट समूह से अंत होता है, फिर एक साथ बेस पेयर की स्टेम उपस्थित होती है जिसमें 5' टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड भी उपस्थित होता है, और उसमें जो है नॉन कॉन्सेंट्रिक बेस पेयर उपस्थित हो सकता है जैसे जी और यू। ये असेंबली को एक्सेप्टर, दिस असेंबली इज नोन एज एक्सेप्टर और अमीनो एसिड स्टेप, क्योंकि ये जो 3' एंड का अमीनो एक्सेप्टर आर्म है उससे ये बेस पेयरिंग होती है ट्रांसफर आरएनए में। फिर एक 3 या 4 बेस पेयर की स्टेम होती है जो कि एक लूप में एंड करती है, उसमें रूपांतरित बेस डायहाइड्रोयूरिडीन उपस्थित होता है, इसलिए इसे डी आर्म कहते हैं। फिर एक और 5 बेस पेयर की स्टेम उपस्थित होती है जो कि एक उसमें एक एंटीकोडॉन स्थल होता है और वो ट्रिपलेट बेसिस का बना होता है, इसलिए उसे एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं। फिर एक और 5 बेस पेयर की स्टेम होती है जिसमें सीक्वेंस टी साइज सी उपस्थित होता है, टी जो है राइबोथाइमिडीन के लिए, साइज जो है वो स्यूडो यूरिडीन के लिए है। सब टीआरएनए जो है अंततः एक सीक्वेंस में एंड करते हैं जिसे सीसीए कहते हैं, इसका 3' हाइड्रोक्सिल सिरा मुक्त रहता है और वहाँ पे अमीनो अम्ल जुड़ता है। तो ये संरचना है, ये 5' एंड है जो फॉस्फेट में एंड कर रहा है, यहाँ पे वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे जी यू अनयूजुअल बेस पेयरिंग उपस्थित हो सकती है, फिर ये डी आर्म है, फिर ये एंटीकोडॉन आर्म है जहाँ पे ये एंटीकोडॉन स्थल है, फिर ये वेरिएबल आर्म है, ये सब में नहीं उपस्थित होता है, ये टी साई सी आर्म है और ये 3' एंड होता है। जितने भी टी आर एन ए हैं उनमें 15 इनवेरिएंट पोजीशंस होती है, वहाँ पे समान ही बेस क्षार उपस्थित होते हैं, 8 सेमी इनवेरिएंट पोजीशंस होती हैं और ये प्राय लूप रीजन में उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ कोरिलेटेड इनवेरिएंट्स भी उपस्थित होते हैं। प्यूरीन जो 3' साइट में एंटीकोडॉन के है वो इनवेरिएबली मॉडिफाइड रहती है, इस तरफ जो होती है वो रूपांतरित रहती है। जो कई सारे रूपांतरित क्षार हैं वो मिथाइलेटेड होते हैं, ये मिथाइलेशन जो है वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग नहीं होने देता है, जिसके कारण ये क्षार दूसरी अन्योन्य क्रियाओं के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कि ये टीआरएनए अमीनो अम्ल टीआरएनए सिंथेटेसिस से जुड़ सकते हैं या राइबोसोम से बंधन बनाने में सहायता करते हैं, और मिथाइलेशन से इनका जो जल विरागी कैरेक्टर है वो अधिक बढ़ जाता है। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का, वो टर्शरी तृतीयक संरचना में ये एल आकार का ट्रांसफर आरएनए होता है, जिसमें एक भाग एल का जो है वो बनता है टी स्टेम का जो और एक्सेप्टर अमीन स्टेम का, और ये फोल्ड होकर एक कॉन्टिन्यूस ए
वो डबल हेलिक्स बनाता है, और दूसरा लेग जो है एल का वो बनता है डी आर का और एंटीकोडॉन स्ट्रेन का। फिर मैसेंजर आरएनए, जेकब और मनोर ने सबसे पहले एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म में एक आरएनए उपस्थित होता है जिसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में होता है, उन्होंने उसका नाम एमआरएनए दिया। ये वो भाग है कोशिकीय आरएनए का जो कि वंशानुगत सूचना डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है और टेम्पलेट बनाता है जहाँ प्रोटीन संश्लेषण हो सकता है। एमआरएनए जो भिन्न जीन से बनते हैं उनका आकार भिन्न होता है, पर एक विशिष्ट जीन के एमआरएनए का हमेशा आकार समान होता है। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये कभी भी एकत्रित नहीं होती है कोशाग्रम में, ये बिल्कुल विपरीत है क्योंकि डीएनए, आरआरएनए और टीआरएनए हमेशा साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं, जबकि एमआरएनए जब कोशा को आवश्यकता होती है तभी बनते हैं, उसके बाद शीघ्रता से विघटित हो जाते हैं। एमआरएनए में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, उसका क्षार संगठन जो है वो डीएनए जिस विशिष्ट जीन के डीएनए से वो बना है उसको वो स्पेसिफाई करना चाहिए, वो विषमांगी आकार का होना चाहिए क्योंकि भिन्न जीन भिन्न लंबाई के होते हैं। हमेशा तीन न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनता है जो कि एक अमीनो अम्ल की कोड के बारे में बताता है। एमआरएनए जो है थोड़ी देर के लिए राइबोसोम से जुड़ना चाहिए और ये जो है शीघ्रता से बनना और विघटित होना चाहिए। एमआरएनए विषमांगी होते हैं, इनका अणुभार अधिक होता है, जो बेस सीक्वेंस डीएनए में उपस्थित होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये एमआरएनए बनता है और ये डीएनए से राइबोसोम तक वंशानुगत सूचना ले जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के जो एमआरएनए हैं वो बहुत अस्थिर होते हैं, उनका जीवन काल कुछ सेकंड से लेकर दो मिनट तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक एमआरएनए स्थिर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए हैं वो जैसे ही बनते हैं संश्लेषित होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, उनका ट्रांसलेशन आरंभ हो जाता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया ही साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस में बनता है प्री एमआरएनए के रूप में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए बनता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। यदि एक प्रोटीन 100 अमीनो अम्ल की बनी है तो उसके एमआरएनए में कम से कम 300 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होने चाहिए क्योंकि एक अमीनो अम्ल का जो कोडॉन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। एमआरएनए यदि एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है तो उसे मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, और यदि उसमें कई प्रोटीन्स की सूचना निहित है तो उसे पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, इसका 5 प्राइम एंड में ट्राइफॉस्फेट समूह उपस्थित है, फिर यहाँ पे राइबोसोम बंधन स्थल है जो कि शाइंडलगानो सीक्वेंस है, फिर आरंभिक कूट है एयूजी और फिर प्रोटीन ए उपस्थित है, फिर स्टॉप कोडॉन है, फिर शाइंडलगानो सीक्वेंस है, फिर प्रोटीन बी के संश्लेषण स्टॉप कोडॉन फिर शाइंडलगानो। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में कई बंधन स्थल होते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन एक साथ स्टार्ट आरंभ हो सकता है, और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, 3 प्राइम एंड में एंड कर जाता है, जबकि यूकैरियोटिक एमआरएनए में 5 प्राइम एंड पर ट्राइफॉस्फेट ग्रुप के बाद एक रूपांतरित गुआनोसिन उपस्थित होता है, इसे 7 मिथाइल गुआनोसिन कहते हैं क्योंकि इस पे मिथाइल समूह की कैप होती है, और ये बहुत ही अनयूजुअल 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है 5 प्राइम सिरे पे एमआरएनए के, इसे हम कैप कहते हैं। ये जो कैप है ये एमआरएनए को राइबोन्यूक्लिएसिस से बचाती है जिससे कि एमआरएनए विघटित ना हो, ये कैप जो है एमआरएनए को राइबोसोम से बंधन में भी सहायता करती है जिससे कि ट्रांसलेशन आरंभ हो सके। यूकैरियोट्स में पॉली ए टेल भी उपस्थित होती है जो कि एमआरएनए की स्थिरता कोशाग्रम में बढ़ाती है। प्रोकैरियोट्स में 5 प्राइम एंड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कई सारी राइबोसोम बंधन स्थल होते हैं जिन्हें हम शाइंडलगानो सीक्वेंस कहते हैं।